हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ओके, सो वालेकुम अस्सलाम। लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर को भी थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, वहीं से स्टार्ट अप लेते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हम जो स्टडी कर रहे थे वो ऑपरेटर्स के बारे में था। जस्ट कुछ ऑपरेटर्स हमने स्टडी किए थे, लाइक ऐसे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स थे आपके पास, जो बाइनरी ऑपरेटर्स हैं मोस्टली आपके पास, जैसे लाइक एडिशन ऑपरेटर्स आपके पास, सबट्रैक्शन ऑपरेटर है, मल्टीविजन है, डिवीजन है, फ्लोट डिवीजन है, मॉड्यूलस ऑपरेटर्स है। ठीक है, ये जितने भी ऑपरेटर्स आप देख रहे हैं, तो एडिशन का है, सबट्रैक्शन का, ये सारे के सारे बाइनरी ऑपरेटर्स हैं और दो टू ऑपरेंड्स के ऊपर ये वर्क करते हैं, मीन टू इनपुट्स के ऊपर आपके पास वर्क करते हैं। इनके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में थोड़ा स्टडी किया था। उसके बाद हमने कंपेयर ऑपरेटर्स की बात की थी। तो कंपेयर ऑपरेटर्स क्या करते हैं, वो चेकआउट करते हैं वेदर टू ऑब्जेक्ट्स आर इक्वल आर नॉट इक्वल, या ग्रेटर देन आर लेस देन। ठीक है, तो इस तरह के कंडीशन को वो चेकआउट करते हैं, और जो आउटपुट होता है कंपेयर ऑपरेटर्स का वो बूलियन वैल्यू होती है आपके पास। मीन्स जब भी आप कोई कंडीशन बनाते हैं तो उस कंडीशन का जो आउटपुट बनता है वो बूलियन वैल्यू है बेसिकली। तो कंपेयर ऑपरेटर्स के जरिए आप कोई भी कंडीशन बना सकते हैं। ठीक हो गया, लाइक दैट मैंने कहा एक्स इज ग्रेटर देन 10, तो एक्स इज ग्रेटर देन, इसकी जो वैल्यू आपके पास आएगी, जो आउटपुट आपके पास आएगा वो बूलियन फॉर्म में होगा, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। आगे चल के हम उसी बूलियन वैल्यू को चेक करेंगे। इफ बूलियन वैल्यू, इफ वैल्यू इज ट्रू देन वी हैव टू परफॉर्म द एक्शन। ठीक है, कोई ना कोई आप एक्शन उसके अगेंस्ट परफॉर्म करेंगे। जो फॉल्स है तो लाजमन फॉल्स के अगेंस्ट भी कोई एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो दीज ऑपरेटर्स आर कॉल्ड द कंपेयर ऑपरेटर्स। लाइक ऐसे इक्वल ऑपरेटर है आपके पास, जो डबल इक्वल साइन के साथ आप देते हैं प्रोग्रामिंग में। नॉट इक्वल ऑपरेटर है, जिसको आप डज नॉट इक्वल कहते हैं मैथमेटिक्स के अंदर। ग्रेटर देन इक्वल है, और सॉरी ग्रेटर देन है, लेस देन है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू है। तो यहाँ पे दो ऑपरेटर्स हैं और आर की कंडीशन है, ग्रेटर देन आर इक्वल है। ठीक है, या तो ग्रेटर हो या लेस, ग्रेटर हो या इक्वल हो, ठीक है, दोनों पे काम करेगा, लेस देन हो या इक्वल हो। सिमिलर में हमने कहा लॉजिकल ऑपरेटर्स से एंड ऑपरेटर की बात की, बिटवीन ऑपरेटर भी इसको कहा जाता है। ठीक है, रेंज के फॉर्म में ये काम करता है बेसिकली। जैसे आपने कहा मार्क्स है, या किसी और चीज चीज की इंक्लूसिव आप करना चाह रहे हैं, भाई ये चीजें होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा ए टू जी लेटर्स हैं आपके पास, तो आप चेक करना चाह रहे हैं कि भाई लेटर्स जो हैं ए टू जी के दरमियान है, तो ये ए टू जी के दरमियान है तो आप कह सकते हैं कि ये लेटर्स कौन से आपके पास लेटर्स है, इंग्लिश लेटर्स है। ये आपके पास 0 to 9 के दरमियान कोई नंबर है तो आप कह सकते हैं ये डिजिट्स है, या उसके अलावा जो भी सिंबल्स हैं आप कह सकते हैं ये एज अ सिंबल्स है। तो वहां पे भी आपके लॉजिकल ऑपरेटर आपके साथ वर्क कर सकता है। ठीक हो गया, इसी तरह लॉजिकल आर ऑपरेटर है, ठीक है, लॉजिकल नॉट ऑपरेटर है। अब लॉजिकल नॉट ऑपरेटर जो यहाँ पे जो यूनरी ऑपरेटर है, ठीक है ना, आर या एंड, ये दोनों ऑपरेटर्स आपके पास बाइनरी ऑपरेटर्स है। ठीक है, इनके पास दो इनपुट्स आप इसको कम से कम देंगे। ठीक है, कम से कम दो इनपुट देंगे, दो से ज्यादा भी इनपुट्स हो सकते हैं। ठीक हो गया, तो यूनरी ऑपरेटर। इसके बाद हमने कहा असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर वैसे ये एक सिंगल असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, बाकी असाइनमेंट के अंदर ये कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं बेसिकली। ठीक है, एडिशन कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर है, सब्ट्रैक्शन का कंपाउंड ऑपरेटर है, मल्टीप्लिकेशन का है, डिवीजन का है, ये वो ऑपरेटर्स हैं। इनके बारे में आपको पता नहीं भी होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको जस्ट पता होना चाहिए इस तरह के ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, लाजमन इनके दो तरीके कार है लिखने के, आप इस तरह लिखते हैं तभी ठीक है कंपाउंड को यूज करते हुए, आप वैसे ही इक्वल ऑपरेटर को यूज करेंगे तो तभी भी आपका वर्क हो जाएगा, नो मैटर, इससे कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक हो गया, तो इसके बाद हमने बात कर रहे थे बिट वाइज ऑपरेटर की। तो बिट वाइज ऑपरेटर से पहले मैं एक टॉपिक शायद आपको स्टडी करवा रहा था, नंबर सिस्टम की बात कर रहे थे। ठीक है, तो मैं वहीं से थोड़ा नंबर सिस्टम से स्टार्टिंग करते हैं, फिर यहाँ पे हम वापस आ जाते हैं कि बिटवाइज ऑपरेटर किस तरह वर्क करते हैं बेसिकली। तो आई थिंक मैंने आप लोगों के लिए बाइनरी का फाइल स्टोर करके रखा था। ओके, ये हमने कुछ रिप्रेजेंटेशंस पढ़ी थी कि भाई डेसिमल नंबर को बाइनरी में किस तरह लिखते हैं। फिर मैंने कहा कि आप 2 बिट्स के अंदर भी लिख सकते हैं, 4 बिट्स के अंदर भी लिख सकते हैं, इस तरह मैंने कुछ बात की थी। ठीक है, तो ये जितने भी नंबर्स हैं लाजमन आप देख रहे हैं 0, 1, 2, 3, 4, ये डेसिमल नंबर्स हैं, इसी तरह ये बाइनरी नंबर्स हैं। इसके अलावा एक और फॉर्म आता है जिसको कहा जाता है ऑक्टल नंबर्स, एक और फॉर्म आता है हेक्सा। ठीक है ना, हेक्सा 16 को कहा जाता है, 0 to 15 के दरमियान वैल्यूज होती है, और ऑक्टल 8 को कहा जाता है, तो 0 to 7 के दरमियान होता है। ठीक है, अब हेक्सा के अंदर 10 की वैल्यू आपके पास, फिर ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है,
ठीक है ना, हम उसकी बाद में बात करते हैं, पहले हम थोड़ा बाइनरी को कवरेज करते हैं, उसके बाद आप बाकी फॉर्मेट इजीली कवर हम कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये बाइनरी नंबर से मुझे था जीरो, आप 2 बिट्स के अंदर लिख रहे हैं लाइक डैट, ठीक है, जस्ट लाइक डैट। ठीक है, फिर आपने 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, 5 लिखा, 6 लिखा, एक आप ऐड करते जाएं। किस फार्मूला के हिसाब से हमने बात की, हमने कहा कि भाई 1 में 1 ऐड करेंगे तो आपके पास जो आउटपुट बनता है वो 1 0 बनता है, लाइक दैट। 1 में 1 ऐड करेंगे तो आपके पास 0 1 बचता है, जो आगे नेक्स्ट बिट है तो वो कैरी हो जाता है, ये 1 कैरी का होता है बेसिकली। ठीक होगा, जब आप 1 में 1 ऐड करेंगे तो ओवरफ्लो हो जाता है, क्योंकि 1 से ज्यादा कोई वैल्यू नहीं है, 2 नहीं आता यहाँ पे। ठीक है, डेसिमल में 2 होता है, डेसिमल में 9 के बाद 10 जब बनता है तो 0 1 के साथ बनता है। ठीक है, तो 1 वहां पे कैरी होता है, यहाँ पे भी 1 आपके पास क्या है, एज ए कैरी है, वो नेक्स्ट बिट में ऐड होता है, तो नेक्स्ट बिट यहाँ पे कोई नहीं है तो उसे हमने 1 प्लेस कर दिया। सिमिलर यहाँ पे जो लिखा होता लाइक डेट 0 1, नाउ वी हैव द ऐड, हियर इज अ 0 1 इज अ, ओ आई सॉरी यार, राइट हैव 1 हियर। ठीक है, नाउ 1 और 1 व्हिच इज कॉल्ड 0 1 व्हिच इज 10। ठीक है, तो आई राइट हियर 0 नॉट 1, नाउ 1 इज अ कैरी, 1 आप इस बिट में जाकर ऐड करेंगे। ठीक है, 1 कैरी बच गया, अब 1 एंड 1 इज अ 10 होता है। ठीक है, अब 10 के बाद यहाँ पे 0 है, ठीक है, तो हमने कहा कि यहाँ पे आ जाएगा 0, तो 1 आपके पास कैरी था, वो 1 यहाँ पे राइट अप कर दी, सही हो गया, कि तो 1 को हम कैरी करते जा रहे हैं। क्लियर हो गई बात, तो जैसे हम मैथमेटिक्स में डेसिमल का करते हैं, तो दिस इज अ सिंपल फार्मूला कि इस फार्मूला के तहत आप नंबर्स को एड करके अपना ये बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टली फार्मूलाज भी होते हैं कन्वर्ट करने के, जब मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख भी लेता हूँ, मैं कहता हूँ ये एक्स इज इक्वल 10 है, तो यहाँ पे बिन फंक्शन है बाइनरी का, ठीक है ना, कि आप बाइनरी में किसी नंबर को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, मैंने कहा एक्स को कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ इन बाइनरी में, नाउ आई वॉन्ट टू प्रिंट ऑन स्क्रीन, मैं स्क्रीन पे भी प्रिंट करना चाह रहा हूँ दिस वन। ठीक है, बाइनरी आप एक्स मुझे बता दो, राइट प्रिंट फंक्शन लाइक दैट। ठीक है, मैंने प्रिंट फंक्शन को कॉल किया और मैंने कहा बाइनरी में बता दो मुझे, तो इसने मुझे बता दिया बाइनरी में 0B आगे लिखा जाता है, जब भी आप बाइनरी नंबर लिखेंगे तो 0B लिखेंगे। ठीक है, 0 इसका प्रीफिक्स है, एक किस्म का आइडेंटिफिकेशन है, ठीक है, आइडेंटिटी करता है। ठीक है, बी बाइनरी के लिए दिया गया है 1010। ठीक है, तो ये आपके पास 101 बन गया, आप अपने फॉर्म में देख सकते हैं, हमने 101 नहीं लिखा है, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। 9, अगर 9 हम बना रहे हैं तो 9 बनता है 1001 में। ठीक हो गया, इसी तरह 9 यहाँ पे बनेगा 0001001। ठीक है, इसी तरह 10 आपके पास बनेगा व्हिच इज कॉल्ड द 1010 लाइक दैट, एंड दिस इज कॉल्ड द 001010 लाइक दैट। ठीक है, तो आपका आंसर जो है यहाँ पे एज अ 10 आपके पास बाइनरी में। सिमिलर यू हैव राइट डाउन हियर 0B1010 व्हिच इज कॉल्ड 10, 10 की वैल्यू है ये डेसिमल में, डेसिमल में 10 है। ठीक है ना, बाइनरी में 10 इस तरह लिखते हैं। अब जब मैं कहता हूँ नहीं भाई मुझे इंटीजर में बता दो डेसिमल में, तो आप जस्ट इसको प्रिंट कर दे तो ये खुद ही डेसिमल में कन्वर्ट कर देगा 10। ठीक है, नाउ दिस इज वैल्यू ऑफ 10 इन डेसिमल। ठीक है, तो हेक्सा का भी फंक्शन है, आप हेक्सा में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, यू हैव टू राइट डाउन हेक्सा, तो हेक्सा का भी फंक्शन है, यू हैव फाइंड द ए, हेक्सा में इसको ए कहा जाता है। ठीक हो गया, ऑक्टल में भी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, यू हैव राइट डाउन ऑक्टल। ठीक है, सॉरी आई रिमूव दिस प्रोसेस, नाउ सी 0 1 2, सॉरी 0 प्रीफिक्स है, ऑक्टल का ओ आ गया आपके पास और 1 2, ठीक है ना, 10 को 1 2 लिखा जाता है ऑक्टल के अंदर। ठीक है, 0 टू 7 आप चलेंगे, 7 के बाद आपके पास कैरी बच जाएगा, सही हो गया, उस तरह वो एड होंगे। तो बात करते हैं ऑक्टल एग्जा की, बाद में बात करते हैं, तो मेरे सिर्फ जस्ट यहाँ पे फंक्शंस के नाम बताएं कि भाई आपके पास इस तरह के फंक्शंस हैं, हेक्स का नाम से है, बैन बिन के नाम से फंक्शन है, और ऑक्टल के नाम से भी फंक्शन है लाइक दैट। ठीक है, और इंटीजर का डेसिमल के लिए आपके पास काम करेगा। ठीक है, जब आप इंट के अंदर कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो डेसिमल के साथ काम, इंट फंक्शन करेगा आपके साथ। ठीक है, ऑक्टल हो गया, बाइनरी हो गया, हेक्सा हो गया, ठीक है, इनकी बाद में बात करते हैं। ओके, सही हो गया, अब मैं दोबारा आता हूँ यहाँ पे, ये जितने भी नंबर मैंने डेसिमल के दिए हैं ये बेसिकली पॉजिटिव नंबर्स हैं। ठीक हो गया, पॉजिटिव नंबर्स को मेमोरी के अंदर, मशीन के अंदर आप जब स्टोर करते हैं ऐसे ये ऐड करते हैं, ठीक है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना,
इसी तरह ऐड हो जाते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, जब आप नेगेटिव नंबर को ऐड करते हैं मशीन के अंदर, आप किस स्टोरेज में रखते हैं, तो वो टूस कॉम्प्लीमेंट में हम स्टोर करते हैं। ठीक है, टूस कॉम्प्लीमेंट के अंदर एक वंस कॉम्प्लीमेंट होता है, दूसरा होता है आपके पास टूस कॉम्प्लीमेंट का कंसेप्ट आ जाता है। तो उन दोनों को अब आपके पास जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है, जो लेफ्ट मोस्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जिसको कहा जाता है, लेफ्ट साइड का ये जो बिट होता है, ये वाला बिट, तो ये इंडिकेट कर रहा होता है आपकी साइन को। ठीक है, कि यहाँ पे ये बिट आपके पास जीरो है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है ना, तो फिर हम कहेंगे वो नंबर आपके पास क्या है, पॉजिटिव नंबर है। कि यहाँ पे आपके पास वन लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये नंबर कौन सा है, नेगेटिव नंबर है। ठीक है ना, मीन्स नेगेटिव साइन का नंबर है। मीन्स मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इफ आपके पास 1010 लिखा हुआ है और आपने कहा ये पॉजिटिव है आपके पास, ठीक है ना, ये पॉजिटिव 10 है, ठीक है, तो इसका मतलब है इसके आगे जीरो है, ये बिट जीरो है, वो सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है, या आपने कहते हैं कि नहीं भाई हमें नेगेटिव वन है, कि इसमें वन आ जाता है तो ये नेगेटिव का नंबर बन जाता है। ठीक है, ये नेगेटिव की साइन को इंडिकेट करता है कि नेगेटिव साइन हो जाती है आपके पास। ठीक है, बट क्योंकि मशीन के अंदर इसको कन्वर्ट किया जाता है टूस कॉम्प्लीमेंट के अंदर, टूस कॉम्प्लीमेंट के अंदर कन्वर्ट करके फिर आप इसको स्टोर करेंगे, आप डायरेक्टली नेगेटिव नंबर को स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, इसकी हम बात करते हैं भाई, जीरो और वन का क्या मकसद है, हम बात करते हैं इसमें। ठीक होंगे, नेगेटिव नंबर जी, यहाँ तक पहले क्लियर है आपके पास कि भाई डेसिमल नंबर को बाइनरी फॉर्मेट में किस तरह लिखते हैं, बिट्स नंबर और इस तरह की कॉन्सेप्ट थोड़े क्लियर है आपको, पहले ये मुझे बताइए यहाँ तक जी, यहाँ तक क्लियर है सबको जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, यहाँ तक क्लियर है सबको, जी सबको क्लियर है, किसी को इशू है तो पहले बता दे मुझे यहाँ पे, तो फिर उसके बाद मैं आगे मूव हो जाऊँ। जी, सर, ओके, कंटिन्यू फिर। कोई इशू नहीं है, ठीक कोई नहीं सर। है, जस्ट मिनट में लिंक शेयर करूँ। ठीक हो गया, यहाँ तक आपको उम्मीद करता हूँ कि आपके पास क्लियर होगा, आपको कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगा। ओके, अब हमारे पास बिट वाइज ऑपरेटर्स है, जैसे एंड ऑपरेटर है। ठीक है, मैं दोबारा ऑपरेटर्स के ऊपर आ जाता हूँ आपके। ठीक है, बिट वाइज एंड ऑपरेटर है, आर ऑपरेटर है, एक्सक्लूसिव जो है, नार ऑपरेटर है, ठीक है, नॉट ऑपरेटर है, लेफ्ट शिफ्ट है या राइट शिफ्ट ऑपरेटर्स है, ये सारे के सारे बिट वाइज ऑपरेटर्स हैं। बेसिकली ये बिट्स में वर्क करते हैं, वैसे आपके पास डायरेक्टली इंटीजर नंबर्स में भी वर्क करेंगे, पर और कैलकुलेशन जो कंप्यूट करते हैं बैकेंड में, वो बेसिकली बिट्स में होता है। ठीक है ना, तो इसलिए हमने स्टडी किया कि बाइनरी नंबर्स को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक हो गया, तो अब हम बात करते हैं एंड ऑपरेटर की बात करते हैं, तो आपने लॉजिकल एंड आप स्टडी कर चुके हैं, तो लॉजिकल एंड की डेफिनेशन है ऑल इनपुट मस्ट बी ऑल इनपुट, इफ ऑल इनपुट इज ट्रू देन आउटपुट इज ट्रू। ठीक है ना, आपने ये डेफिनेशन स्टडी की है, तो बिट वाइज एंड ऑपरेटर की रिप्रेजेंटेशन जो साइन है वो एम परसेंट की साइन है। ठीक है ना, आपने लॉजिकल एंड लिखा था, वो एंड आपने कुछ इस तरह लिखा था सिंबल में, ठीक होगा, बट बिट वाइज एंड ऑपरेटर के अंदर सिंपली एम परसेंट की सिंबल दी जाती है, एम परसेंट एंड, ये एम परसेंट है, आप इसको एंड के नाम से जानते हैं इंग्लिश में, तो इसका नाम एम परसेंट भी है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं ये सिंबल दी जाती है बेसिकली, तो मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल मैं कंसीडर करता हूँ कि भाई ए इज इक्वल है 3 बराबर, फॉर एग्जाम्पल, तो ए बेसिकली मैं क्या 3 के अंदर मैं लिखना चाहूँ कि भाई 3 बाइनरी में किस तरह लिखा जाता है, तो मुझे ऑलरेडी पता है कि हाउ आई राइट टू 3, ठीक है, 0011, ठीक है, मैंने इसको लिखा है 0011, 4 बिट में मुझे लिखना, 2 बिट में लिख रहा हूँ तो लाइक दैट, ठीक है, 2 बिट में भी स्टोर हो सकता है, तो अब मुझे इसका करना है नॉट, और सॉरी एंड करना है, तो एक और भी नंबर होना चाहिए आपके पास। ठीक है, मैंने कहा एक और नंबर है बी है आपके पास, और बी की वैल्यू आपके पास फॉर एग्जाम्पल 2 है, और 2 को बाइनरी के अंदर लिखा जाता है 10, लाइक दैट, नाउ आई वांट एंड, मैं इनकी एंड करना चाह रहा हूँ, मेरा काम है एंड करना, तो एंड की जो सिंबल है वो ये सिंबल है,
ठीक हो गए, लाइक दैट। तो इन दोनों बिट्स का एंड करेंगे, मैं देखूंगा कि वन ये ट्रू है यहाँ पे, मीन्स ऑन है, ये आपके पास ऑफ है, वन और जीरो सिमिलर नहीं है। हमने कहा कि ऑल इनपुट मस्ट बी ट्रू, दोनों ट्रू होने चाहिए। तो फर्स्ट बिट को फर्स्ट बिट के साथ चेक किया जाएगा, इस नंबर का फर्स्ट बिट जो भी होगा, इस बिट का फर्स्ट नंबर बिट वन है, इस नंबर का फर्स्ट बिट ये है, इन दोनों को आपस में चेक करेंगे, वन और जीरो इज ए जीरो, ठीक है, अकॉर्डिंग एंड, तो ये जीरो हो जाएगा, ठीक होगा। अगेन वन एंड वन इज ए वन हो जाएगा, दोनों ट्रू हैं, ठीक है, मीन्स दोनों ऑन है, मैं इनको ऑन कह रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपके पास आंसर होना चाहिए 10, और 10 को इंटीजर के अंदर 2 कहा जाता है, अगेन डेसिमल में, मीन्स आपका एंड की कंडीशन का आंसर 3 और 2 का एंड करेंगे तो आपके पास आंसर 2 होना चाहिए। अंडरस्टैंड कर रहे हैं मेरी बात? इफ आई राइट आउट हियर, मैं वापस आ जाता हूँ अपने टूल्स के अंदर, मैंने कहा मैं एक ए डिक्लेयर कर रहा हूँ, और ए की वैल्यू मैंने 3 दी है, बी की वैल्यू मैंने 2 दी है, नाउ आई वॉन्ट टू प्रिंट ए एंड बी, ठीक है, मैंने एंड ऑपरेटर दे दिया दोनों के दरमियान, सही हो गया। आई रन दिस प्रोग्राम एंड यू सी द आउटपुट इज ट्रू, यहाँ पर ट्रू आ गया, ठीक है। अब आप डेसिमल में देना चाहें तब भी ठीक है, आप बाइनरी में देना चाहें तब भी आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। हमने डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट किया सिर्फ अंडरस्टैंड करने के लिए कि भाई किस तरह वो ऑपरेट करते हैं, ठीक है। नाउ इफ आई राइट ऑन इन बाइनरी, 0 B आप देंगे, 0 प्रीफिक्स है, बी आपके पास आइडेंटिफिकेशन है बाइनरी की, सो 0 B, नाउ आई राइट ऑन दी 3, दिस इज 3, इस तरह भी लिख सकता हूँ, इस तरह भी 3 है, ठीक है। तो 0 B 1 0 फॉर एग्जाम्पल, नाउ ए एंड बी, अगेन आई कंप्यूट ए एंड बी विच इज कॉल टू, सी द आउटपुट इज 2। क्या आपको बाइनरी में आउटपुट चाहिए तो यू हैव राइट ऑन दी बाइनरी फंक्शन बिन, यू हैव टू कन्वर्ट दी इन बिन, बाय डिफॉल्ट ये आपको डेसिमल में दे रहा है, ठीक हो गया। आपको बाइनरी में चाहिए तो आप बाइनरी फंक्शन को कॉल करें, किसको कन्वर्ट करना है, जो भी ये कंप्यूट हो इसको कंप्यूट कन्वर्ट कर दो भाई, जो भी आउटपुट आपके पास आए। तो क्या प्रिंट दिस प्रोग्राम अगेन, नाउ यू सी दी 10, हियर इज 10, व्हिच इज कॉल टू, ठीक है। तो लॉजिकल सॉरी एंड बिट वाइज ऑपरेटर इस तरह वर्क करता है कि आपके पास बाइनरी नंबर से, ठीक है, वो उसके नंबर ऑफ बिट्स को चेक करेगा, करेस्पॉन्डिंग बिट्स चेक करेगा दोनों नंबर्स में, ठीक है, जो जो प्लेस में, जो फर्स्ट प्लेस में जो पड़ा है उसके साथ फर्स्ट प्लेस वाले को चेक करेगा, सेकंड प्लेस वाले को सेकंड वाले के साथ कंपेयर करेगा, ठीक है। डेफिनेशन क्या है, वही डेफिनेशन है लॉजिकल एंड वाली, ऑल इनपुट मस्ट बी ट्रू, मीन्स ऑल बिट मस्ट बी ट्रू देन ट्रू, ठीक है, कि दोनों बिट्स करेस्पॉन्डिंग बिट्स सिमिलर हैं तो ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा, सेम डेफिनेशन, ठीक हो गया। क्लियर बात यहाँ तक एंड ऑपरेटर की? जी एंड ऑपरेटर की क्लियर बात भाई? जी एंड ऑपरेटर सारे से रिपीट कर दें। मैं रिपीट कर देता हूँ जी, और कोई क्यूरी हो किसी और की, रिपीट मैं कर रहा हूँ, किसी और की क्यूरी हो तो पहले वो बताएं जी। ओके, सो एंड ऑपरेटर की बात कर रहे हैं, हमने कहा लॉजिकल एंड ऑपरेटर किस तरह वर्क करता है, वो कहता है कि ऑल इनपुट मस्ट बी ट्रू, मीन्स सारे ट्रू होंगे तो आउटपुट आपके पास ट्रू होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि बिट वाइज है तो आप हर बिट को चेक करते हैं, करस्पॉन्डिंग बिट को चेक करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई भी नंबर है, आपने कहा ए है आपके पास, ए फॉर एग्जाम्पल आपने 5 लिया है, बी आपने 7 लिया है, ठीक है। अब कंपाइलर क्या करता है, मशीन क्या कर रही है, आपका जो मशीन आप इंटरप्रेटर यूज कर रहे हैं, वो ए को कन्वर्ट कर देता है बाइनरी के अंदर, ठीक है, बी को भी बाइनरी में कन्वर्ट करता है, फिर उनके आपस में बिट को कंपेयर करता है, जो बिट्स ट्रू होते हैं उसको ट्रू कर, मीन जो बिट्स ऑन होते हैं उनको ऑन में लगाता है, जो ऑफ होते हैं तो उनको ऑफ करता है, कहता है एनी वन इज फॉल्स आउटपुट इज फॉल्स है अकॉर्डिंग डेफिनेशन ऑफ एंड, ठीक है। टू बिट्स आर ट्रू, टू बिट्स आर ट्रू या ऑन, देन आउटपुट इज ट्रू, ठीक है। ये बिट्स के हिसाब से कंपेयर करता है कि आप नंबर ऑफ बिट्स देखते हैं, करेस्पॉन्डिंग बिट्स चेक करते हैं,
भाई 5 का जो करस्पॉन्डिंग है 7 के करस्पॉन्डिंग के साथ चेक करेंगे, ठीक है। अब 5 की फॉर एग्जाम्पल वैल्यू आपके पास है 0101 है, ये 5 है बाइनरी के अंदर। 6 की वैल्यू आपके पास है 0110 है आपके पास। नाउ आप एंड करना चाह रहे हैं कि, तो ये जो करेस्पॉन्डिंग है ये ठीक है 1 है, यहाँ पे आपके पास क्या है 0 है, 1 को 0 के साथ चेक करेंगे। दोनों बिट्स ऑन नहीं है, एनी वन इज ऑफ देन आउटपुट इज ऑफ, ठीक है। कोई एक भी फॉल्स है तो आउटपुट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब ये फॉल्स है इसलिए ये फॉल्स हो गया, तो पहला फिर आउटपुट 0 हो गया। अगेन आप चेक करेंगे 0 को 1 के साथ, अगेन फॉल्स हो जाएगा। अगेन 1 एंड 1 इज 1, तो ये 1 बन गया। 0 एंड 0 इज 0 बन गया। तो आपके पास बाइनरी में जो आउटपुट बनाए वो ये बनाए 0100, जो आपके पास मेरे ख्याल 3 बनता है, 3 या 4 बनता है, ठीक है, जो आपके पास 4 है। तो इसको डेसिमल में आप जेकर लिखेंगे तो 4 होगा। सिस्टम आपको बाय डिफॉल्ट ये डेसिमल में देता है, जो आउटपुट आपको दे रहा है सिस्टम, आप जो यूज कर रहे हैं इंटरप्रेटर, वो आपको डेसिमल में करके दे रहा है। वो कहता है मैं आपको बाइनरी भी नहीं दे रहा हूँ, क्या पता आपको बाइनरी में समझ में ना आए ह्यूमन को, ठीक है ना। आपको अगर बाइनरी में चाहिए तो आप बिन फंक्शन को यूज कर लें, ठीक होगा। अब आ गए यहाँ पे, बात करते हैं दोबारा कि भाई हमने इसको मिटा दिया। मैंने कहा एज इक्वल है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कौन सी वैल्यूज ली है यहाँ पे 5 और 7, एज इक्वल 5 है, बी इज इक्वल आपके पास 7 है। जस्ट आपने कहा कि प्रिंट करें ए एंड बी, ठीक है, दोनों का एंड करें, रन दिस प्रोग्राम, सीधे आउटपुट में निकाल दो 5। हमने क्या दिया था यहाँ पे, 4 दिया, 5 और 7 4 बनता है, तो इसका मतलब ये टेबल ही गलत है। सर हम बी 7 की बजाय 6 लिखना था, बी की वैल्यू हाँ, 7 की बजाय 6 लिखनी थी। अच्छा, तो यहाँ पे थोड़ा ये है, ठीक है, ये गलती है यहाँ पे, ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, यहाँ पे गलती है भाई, ठीक है ठीक है। होशियार हो गए आप लोगों का, सही है, आप बना एक्टिव हैं। 1 और 1 इज 0 हो जाएगा आपके पास, ओ सॉरी 1 एंड 1 इज 1 हो जाता है, ठीक हो गया। 0 और 1 इज 0 बनेगा, ठीक है, 1 एंड 1 इज 1 बनेगा 0, मींस आउटपुट आपके पास क्या होना चाहिए 101 होना चाहिए, और 101 किसका है, 5 का है, ठीक हो गया। तो दिस वन, तो मैं यहाँ पे आपके पास आउटपुट क्या आ रहा है 5। अब ये आप चाहते हैं कि नहीं भाई ये हमें बाइनरी में चाहिए, तो आप फिर बिन के अंदर फंक्शन को कन्वर्ट कर लें लाइक दैट बस। तो ये एक छोटी सी चीज की बात मैंने की है, आई होप आपको अब समझ में आ गई होगी ये बात, ठीक हो गया। तो इसने बाइनरी के अंदर ही आपको लिखा, क्या आप चाहते हैं कि नहीं ये नंबर हम बाइनरी में देना चाह रहे हैं, तो आप 0 B से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। 0 B के बाद जो भी बाइनरी नंबर है वो आप राइट करेंगे। जैसे आप, हमने अभी भी किसका दिया हुआ है, 5 का दिया है, तो 5 है 0 1 0, ठीक है। इसी तरह से 7 आपने दिया है, तो आप 7 दे दें, ठीक है, 7 आपने दिया होगा 1 1 1, ठीक है, 0 1 1 1, ठीक है। तो ये बाइनरी में हो गया, अब आपके पास आउटपुट भी बाइनरी, जी, ठीक हो गया। तो लाइक दैट, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी जी। अब बताएं कोई इश्यू हो तो बताएं इसमें। जी ओ भाई कौन है, सर, अब ओके ओके है, पर बोल कौन रहा है भाई, ओके ठीक है, ओके। उसके बाद हमारे पास दूसरा सेकंड ऑपरेटर है, आर ऑपरेटर है, ठीक है। सिमिलर वे एनी वन इज ट्रू आउटपुट इज ट्रू, कोई एक बिट भी ट्रू होगा तो आउटपुट आपके पास उस बिट का करेस्पॉन्डिंग बिट का क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। यहाँ पे क्या था, दोनों का ट्रू होना लाजमी था, यहाँ पे कोई एक भी ट्रू है तो आउटपुट आपके पास क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो एक्सक्लूसिव, ओ सॉरी, बिट वाइज ऑपरेटर, आर ऑपरेटर किस तरह करता है, कहता है एनी वन इज ट्रू आउटपुट इज ट्रू, लॉजिकल एंड वाली डेफिनेशन है। तो यहाँ पे सिर्फ वर्टिकल लाइन दी जाती है, ठीक है ना। सो मैं आर की बात कर रहे हैं, ठीक है, मैं इस एग्जाम्पल को मिटा रहे हैं, हम एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं। हमने कहा ए की वैल्यू फॉर एग्जाम्पल 8 है, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए 8 जो लिखा जाता है 1010 होता है, ठीक है। ए इज इक्वल 9 ले रहे हैं या 10 ले रहे हैं, ठीक है, एच लगा दिया 1010 लगा दिया, ठीक हो गया। तो आप देखेंगे एनी वन इज ट्रू आउटपुट इज ट्रू, तो फर्स्ट 0 0 है तो 0 हो जाएगा। सेकंड में आपके पास 0 1 है, तो इसका मतलब ए का जो 10 वाला है, बी का जो 10 है, तो उसमें ये 1 है, ठीक है, ये बिट ट्रू है, तो आप 1 लाइक करेंगे, 0 एंड 0 इज 0 हो जाएगा, 1 एंड 1 इज 1 हो जाएगा। तो आप आउटपुट आपके पास
1010 बन जाएगा, सही हो गया, मीन्स ट्रेन ही आउटपुट आएगा लाइक दैट, ए इज इक्वल 10 एंड बी इज इक्वल 10. सो वी हैव राइट डाउन ए इज इक्वल 10 एंड बी इज इक्वल 8. तो यू हैव रन इन बाइनरी में आप देख रहे हैं हमारे, ठीक है. तो हमने क्या लिखा था, गलत किया है ये भी, इसकी वैल्यू उठाई है आपने, 003 हुआ, 110 हुआ, 0 हुआ, कहाँ पे गलती है भाई, 10001 क्यों बना, ओ सॉरी आर करना है, ठीक है, एंड नहीं करना है, आर करना है, ठीक है. तो ये राइट कर दिया, 1010 आपके पास हो गया, ठीक है. डेसिमल चेक करेंगे तो जस्ट आप इसको कॉल करते हैं, आपके पास 10 डेसिमल में आ जाएगा, सही हो गया, क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई बात जी. एंड है आर जी ऑपरेटर, दोनों चीजें क्लियर है, ठीक. क्लियर. किसी को प्रॉब्लम हो तो बताएं भाई जी. जी क्लियर है, ओके. उसके बाद हमारे पास ऑपरेटर है एक्सक्लूसिव आर ऑपरेटर है, ठीक है. एक्सक्लूसिव आर ऑपरेटर कहता है कि दोनों बिट्स सिमिलर होने चाहिए, एक्सक्लूसिव आर के अंदर जो बिट्स होते हैं वो सिमिलर, इफ बिट्स आर सिमिलर देन आउटपुट इज ट्रू, ठीक है. मीन दोनों नंबर्स के अंदर जो बिट्स करेस्पॉन्डिंग बिट्स हैं वो सिमिलर होने चाहिए. मीन्स फॉर एग्जाम्पल 1 एंड 1 इज ए ट्रू होता है, और 0 एंड 0 इज ऑल्सो ट्रू होता है, ठीक है. अदरवाइज आपके पास आउटपुट क्या हो जाएगा, फॉल्स आएगा. ठीक है, आपके पास जिस सिमिलर नंबर से बिट्स हैं तो आउटपुट फॉल्स आएगा, कि सिमिलर है तो आपके पास आउटपुट क्या आ जाएगा, ट्रू हो जाएगा, एक्सक्लूसिव आर, ठीक है. लाइक दैट फॉर एग्जाम्पल आपके पास यही नंबर है, मैं इसी को कंसिडर कर देता हूँ, 0 एंड 0 इज 1, दोनों सिमिलर हैं बिट, ठीक है, उसलिए 1 हो गया. 0 एंड 1 इज 0, ठीक हो गया, 0 एंड 1 इज 0, 0 एंड 0 इज अगेन 1, सिमिलर है, 1 एंड 1 इज 1. मीन दोनों बिट सिमिलर होंगे तो आपके पास आउटपुट ट्रू होगा, मीन 0 एंड 0 इज 1 हो जाएगा, 1 एंड 1 इज 1 होता है, ठीक हो गया. 0 एंड 0 मीन्स आपके पास एक्सक्लूसिव आर कहता है कि 0 एंड 0 इज ट्रू एंड 1 एंड 1 इज ऑल्सो ट्रू, लाइक दैट, सही है. कहता है ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, आपके पास सिमिलर है 0 एंड 1 व्हिच इज कॉल्ड द फॉल्स, अगेन 1 एंड 0 व्हिच इज कॉल्ड अगेन फॉल्स, सॉरी फॉल्स, ठीक हो गया. This is called the exclusive OR. कि exclusive OR को जिस तरह वर्क करता है आपके पास, ठीक हो गया. और exclusive OR की जो सिंबल है आपके पास, सिंबल आपको दिखा देते हैं, कैप वाली सिंबल है, लाइक दैट, दिस सिंबल, ठीक है, कैप सिंबल है आपके पास exclusive OR के. तो इफ आई राइट हियर exclusive OR, वही राइट हियर, दिस इज exclusive OR, ठीक हो गया. मैं इसको बाइनरी में आप लिखना चाहें तो ठीक है, नहीं तो कोई मसला नहीं. तो आपके पास टू आंसर आ रहा है, तो बाइनरी में इसको क्या कहते हैं, 1010 कहते हैं, और 8 को बाइनरी में क्या कहते हैं भाई, कोई बताएगा 8 को बाइनरी में क्या कहते हैं, ये कहते हैं, आई थिंक यही कहते होंगे, 101, सही है, ठीक हो गया. तो नाउ 0 एंड 0 इज ट्रू, ये आउटपुट मैं लिखना चाहूँ इसका, पहले अपने पास टाइम बहुत कम है शायद, 0 एंड 0 इज 1, 1 एंड 0 इज 0 होता है, 0 एंड 0 इज 1 होता है, 0 1 एंड 1 इज 1 होता है. तो आंसर आपके पास गलत किया है क्या हमने, 8 की वैल्यू हमने सही दी है, बी की वैल्यू भी हमने सही दी है, तो आउटपुट आपके पास 1 एंड 1 इज 0 1 0 0. ये आपको 2 क्यों दे रहा है, ए का केप किया बी के साथ, एक्सक्लूसिव आर, रन करें जरा, पिन में कन्वर्ट करें जरा, 1 0 2 दे रहा है आपको, ठीक है. और हम क्या निकाल रहे हैं, हमने सही वैल्यूज लिखी है 8 की,
सही तो लिखा है हमने, एक सेकंड वाला, इसको हम अपनी मर्जी से लिखे वाला, 0B, हम इसको देते हैं 101 फॉर एग्जांपल, इसको भी देते हैं फॉर एग्जांपल हम 0B101 लिखते हैं फॉर एग्जांपल, और गेप करते हैं, तो आंसर इज 0। तो इसका मतलब ये कहता है सिमिलर पे 0 होगा, सिमिलर पे वो होगा, रिवर्स बता चुका हूँ मैं आपको, लगता है कब से 0, 0 किया मैंने इसको, इसको 1 करता हूँ, इसको 0 करता हूँ, क्या 1 1 1 बनता है? हाँ भाई, रिवर्स कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है मैंने, थोड़ा मिस्टेक से भाई, सॉरी बेटा। सिमिलर होंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, सॉरी बेटा, पता नहीं कैसे निकल गए, 1 हो गया एंड 1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी करेक्ट कर लें थोड़ा कंसेप्ट, सॉरी बेटा इसको, तो बेसिकली जे आपके पास सिमिलर हैं बिट्स है, तो आउटपुट आपके पास फॉल्स आ जाएगा, जे दिस सिमिलर आपके पास हैं दो बिट्स है, तो आपके पास आउटपुट ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो शायद रिवर्स कॉन्सेप्ट मैंने आपको थोड़ा बता दिया है, 0 0 व्हिच इज कॉल्ड एज दी 0 हो जाएगा आपके पास, 1 एंड 1 इज ए 0 होता है, 0 एंड 1 इज ए 1 होता है, और 1 एंड 0 इज ए 1 होता है, मीन दो बिट्स जिस सिमिलर हैं आपके पास तो आउटपुट आपके पास ट्रू हो जाएगा, जे आपके पास दोनों बिट्स सिमिलर हैं तो आपके पास आउटपुट फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट बेटा? जी हेलो, जी सर, ओके ओके, समझ में आ रहा है? सिमिलर में जी जी अब आप यहाँ पर 10 के साथ करना चाहें तो आपके पास 10 है, यहाँ 8 आप दे रहे हैं, तो यू हैव टेक आउट दी फोर्थ नंबर, 0 एंड 0 इज अ 0 होता है, ठीक है, 1 एंड 0 इज अ 1 होता है आपके पास, 0 0 इज अ 0 बनेगा, एंड 1 एंड 1 इज अ 0 बनेगा, तो आपके पास क्या बन जाएगा, 1 0, एंड 1 0 को आप क्या कहते हैं, 2 कहा जाता है। आप डेसिमल इसको प्रिंट करते हैं तो कंपाइलर अपने हिसाब से सही कर रहा है, हमने जो लॉजिक पहले जो डिस्कस किया मैंने वो गलत था। ठीक है, तो क्लियर है यहाँ तक बात, समझ में आ रही है? जी जी बेटा, यहाँ तक क्लियर है? हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम, क्लियर जी क्लियर है सर। है? ओके, सो नाउ फोर्थ ऑपरेटर आपके पास है, व्हिच इज कॉल्ड बिट वाइज नॉट ऑपरेटर है। ठीक है, जैसे लॉजिकल नॉट था वो ट्रू को फॉल्स करता था, फॉल्स को ट्रू करता था, ये जितने भी ऑपरेटर्स आपने पढ़े थे ये बाइनरी ऑपरेटर्स थे सारे के सारे। ठीक है, टू ऑपरेंड्स के ऊपर वर्क कर रहे हैं, तो सिमिलर वे यहाँ पे नॉट ऑपरेटर आपके पास जो है यूनरी ऑपरेटर है, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर भी आपके पास क्या है, यूनरी ऑपरेटर है, राइट शिफ्ट ऑपरेटर भी आपके पास क्या है, यूनरी ऑपरेटर है, तो बिट वाइज नॉट ऑपरेटर का काम क्या होता है, इनवर्स करना। ठीक है, जैसे लॉजिकल नॉट ऑपरेटर था वो भी इनवर्स करता था, बिट वाइज नॉट ऑपरेटर भी क्या करता है, नॉट करता है, बेसिकली इनवर्स करता है। ठीक है ना, क्लियर होगी बात? जो फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि ए इज इक्वल 10 है, तो मैं इसको कहूंगा प्रिंट करें नॉट ऑफ ए। ठीक है, तो अब नॉट ऑफ ए वी हैव टू प्रिंट सी द -11। ठीक है, तो -11 आपके पास नॉट ऑफ एंड बनता है। ठीक है, आप इसको बाइनरी में देखना चाहें तो आप इसको बाइनरी में भी कुछ इस तरह देख सकते हैं, 0 ऑफ बी, सॉरी बिन को कॉल करेंगे, सही हो गया, बिन ऑफ दिस, यू सी द नंबर इज 1 0 1 1 आपके पास बनता है बाइनरी में। ठीक है, तो ये क्या करता है, 1 को 0 कन्वर्ट करेगा और 0 को 1 कंसीडर करेगा। ठीक हो गया, देखिए इसको लिखा जाए, ये बनता है 1 0 1 0। ठीक है, इसका नॉट जब आप करेंगे तो नॉट ऑफ दिस, तो नॉट ऑफ 1 0 1 व्हिच इज इनवर्स करेंगे, मीन्स 0 आपके पास 1 बन जाएगा, दिस इज 1, अगेन 1 आपके पास 0 बन जाएगा। ठीक है, 1 एंड 0 लाइक दैट, तो इसका जो नॉट बनेगा कुछ इस तरह बनेगा। ठीक हो गया, बट क्योंकि नॉट जब आप करते हैं तो उसकी साइन भी आपके पास चेंज हो जाती है। ठीक है, पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर के अंदर चेंज होता है। अब ये आपने नंबर जो लिखा है बाइनरी के अंदर लिखा हुआ है, जब मशीन अपने आप स्टोर करेगी वो 2s कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में करेगी बेसिकली, तो मीन्स ये बाइनरी नंबर आपका 2s कॉम्प्लीमेंट में होना चाहिए, तब जाकर आपका आंसर कुछ इस तरह बनेगा, -0B101 बनेगा,
इस वक्त जो आपके पास आंसर आ रहा है वो आपने जो रिवर्स किया, इनवर्स किया है, नॉट किया है, तो वो नॉट में आपके पास 010 बन रहा है, ठीक है, 0101 बन रहा है, ठीक है। तो आपकी मशीन जो स्टोर करता है, सिस्टम जो स्टोर करता है, वो आपके पास टूज कॉम्प्लीमेंट के अंदर स्टोर करता है। टूज कॉम्प्लीमेंट एक होता है वंस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, वंस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, और दूसरा होता है टूज कॉम्प्लीमेंट। दो टर्म्स यहाँ पे मैं इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, आप लोगों ने पता नहीं पहले स्टडी कभी की है या नहीं की, आई डोंट नो, आपको आइडिया हो ना हो। तो वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूज कॉम्प्लीमेंट, वंस कॉम्प्लीमेंट के अंदर वही काम किया जाता है जो नॉट ऑपरेटर काम करता है, फ्लिप करता है, बिट्स जितने होते हैं उनको फ्लिप करता है, मीन इनवर्स करता है, मीन ये 10 लिखा हुआ है आपके पास या आपका वंस कॉम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं तो ये बन जाता है 01, लाइक दैट फ्लिप हो जाता है। टूज कॉम्प्लीमेंट क्या करता है आपके पास, जो आपने फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट किया है, वंस कॉम्प्लीमेंट किया है, उसके अंदर एड करता है 1, व्हाट इज कॉल्ड टूज कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट क्या करता है, बिट्स को फिलिप करेगा, लाइक एज नॉट ऑपरेटर, जैसे नॉट ने किया, फिलिप करेगा बिट्स को। और टूज कॉम्प्लीमेंट क्या करता है, एड करता है 1 इन वंस कॉम्प्लीमेंट में, ठीक है, इन जगह वंस कॉम्प्लीमेंट, ठीक हो गया जी, बात समझ में आ रही है मेरी। मैंने दो टर्म्स हम इंट्रोड्यूस करवाए हैं, एक आपके पास मैंने कॉम्प्लीमेंट, मैंने कहा वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूज कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब जितने भी बाइनरी नंबर जो नेगेटिव में होते हैं आपके पास, नेगेटिव साइन वाले, वो बेसिकली टूज कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में हम स्टोर करते हैं मशीन के अंदर, ठीक है। जब ये उनको स्टोर करेगी मशीन आपके पास, जो आपका सिस्टम है, उसको टूज कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर स्टोर करता है। क्योंकि आप देख रहे हैं, आपने जब नॉट किया इसका 101 का, उसका नॉट आपके पास है 0101, ठीक है ना, बट मशीन आपको जो आंसर दे रही है वो दे रही है निगेटिव में 1011, लाइक दैट, ठीक है। तो दोनों में चेंजिंग है, ये वाला आउटपुट और ये वाला आउटपुट दोनों सेम नहीं है, ठीक हो गया। तो मैंने बताया कि ये जितने भी बाइनरी नंबर्स होते हैं जिनका आपने नॉट किया हुआ है, उनको हम स्टोर करते हैं टूज कॉम्प्लीमेंट के, किसके अंदर स्टोर करते हैं, टूज कॉम्प्लीमेंट के। तो आप क्या करते हैं, जब भी आपको टूज कॉम्प्लीमेंट करना होगा तो आप 1 ऐड करेंगे वंस कॉम्प्लीमेंट के अंदर, तो ऑटोमेटिकली आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो ये वाला आंसर आ जाएगा, लाइक दैट, दिस वन। अंडरस्टैंड कर रहे हैं मेरी बात, बात समझ में आ रही है जी, बात समझ में आ रही है यहाँ तक, टर्म्स से थोड़ा फेमिलर हो रहे हैं बेटा जी, रिस्पांस करें भाई, रिस्पांस करें, सर ये वाला नहीं समझ आया, थोड़ा मैं सा आ रहा रिपीट हूँ, कर दोबारा आ दीजिए। रहा हूँ जी, और कोई? ओके, मैं अब बात करता हूँ डेसिमल नंबर्स में, साइन नंबर होते हैं, ठीक है, साइन नंबर पॉजिटिव भी होते हैं और निगेटिव भी होते हैं, ठीक है ना। किसी के आगे साइन नहीं होती तो हम उसको पॉजिटिव नंबर कहते हैं, जिसके आगे साइन इंडिकेट की जाती है उसको हम निगेटिव नंबर कहते हैं, ठीक हो गया। तो इन नंबर्स की रेंज होती है बेसिकली, अभी मैं रेंज की बात नहीं कर रहा हूँ, अब मैं रेंज की बात करूंगा तो आप लोगों का कंसेप्ट और भी चेंज हो जाएगा, जो बिगनर्स हैं उनको बिल्कुल भी मेरी बात समझ में नहीं आने वाली, फिर तो मैं तब बात करूंगा जब आपको थोड़े कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे रेंज के। अब मैं बात करने लगा हूँ कि भाई डेसिमल नंबर्स को तो हम डायरेक्टली स्टोर कर लेते हैं, ठीक है ना। अब मैं बात कर रहा हूँ कि भाई जो बाइनरी नंबर होता है, जब निगेटिव में होगा तो उसको टूज कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में